इंडिकेटर डायग्राम। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम किसी भी गैस के लिए एक ग्राफ होता है जिसमें हम वाई एक्सिस पर लेते हैं प्रेशर ऑफ गैस और एक्स एक्सिस पर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, इसे हम पीवी डायग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीवी डायग्राम भी बोलते हैं या इसे इंडिकेटर ग्राफ भी बोल देते हैं। ठीक है, प्रेशर को लिया जाएगा वाई एक्सिस पर, वॉल्यूम को लिया जाएगा एक्स एक्सिस पर। सपोज ये आपका ग्राफ बन गया, ये एट टेम्परेचर T1, उसी गैस का आपने ठंडा करा गर्म करा, फिर से आपने प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनाया तो दूसरा ग्राफ बन गया। शेप भी डिफरेंट हो सकती है इसकी, बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। ये दोनों ही इंडिकेटर डायग्राम है, दोनों ही पीवी ग्राफ है, लेकिन ये टेम्परेचर T1 पर। भाई आपने ऑक्सीजन भर ली एक सिलेंडर में, ऑक्सीजन भर ली सिलेंडर में, यहाँ था आपका प्रेशर था वॉल्यूम था, आपने इसे दबाया ये करा वो करा, ग्राफ आपका आ गया। ये आपने काम करा 25 डिग्री सेल्सियस पर, फिर अगली बार क्या करा, फिर से गैस को सिलेंडर को वहीं ले गए, लेकिन इस बार आपने जो टेम्परेचर कर दिया 250 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 200 डिग्री कर दिया, फिर आपने सारा प्रोसेस करा तो दूसरा ग्राफ बन गया आपका। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग ग्राफ आ जाएंगे, आएगा कहाँ, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ। इस ग्राफ को हम बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम या पीवी डायग्राम। और सारे के सारे जो पूरी थर्मोडायनेमिक्स है उसमें ग्राफ है भयंकर वाले, सारे के सारे ग्राफ ही ग्राफ है। 10th क्लास और 12th क्लास 11th क्लास की फिजिक्स में मेन डिफरेंस है कि वहां आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होता है, यहाँ हम सारी बातें ग्राफ के फॉर्म में ही करते हैं। ग्राफ को समझना सीखना याद रख पाना कहीं ज्यादा आसान होता है इक्वेशंस के कंपैरिजन में। तो इंडिकेटर डायग्राम हम बार बार बनाते हुए चलेंगे। इंडिकेटर डायग्राम पर प्रेशर और वॉल्यूम लिया जाएगा और टेम्परेचर भी लिया जाता है इस पर। टेम्परेचर के लिए क्या कि एक टेम्परेचर पर एक बार ग्राफ बना लिया, अगले टेम्परेचर पर दूसरा ग्राफ बन जाएगा प्रेशर वॉल्यूम के बीच में, तो टेम्परेचर भी आ गया यहाँ इसी ग्राफ में और प्रेशर वॉल्यूम तो आ ही जाने हैं। समझिए बात, अब कुछ प्रोसेसेस हमें समझने पड़ेंगे कि कुछ प्रोसेसेस अलग अलग तरह के प्रोसेसेस होते हैं, अलग अलग तरह के प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बहुत सारे होते हैं। उनमें से पहला टाइप का है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, नाम से इसका पता चल रहा है, आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। जब पूरे के पूरे प्रोसेस में आपका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बना रहे, टेम्परेचर आपका मेंटेन हुआ रहे, तब हम इस प्रोसेस को बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस है। मतलब क्या हुआ कि आपने एक गैस ली और इस गैस में सिलेंडर पिस्टन के अंदर अरेंजमेंट में गैस ले ली, फिर आपने गैस को पीटा मारा पीटा ये करा वो करा सब कुछ करा गैस के साथ में, कभी इसका वॉल्यूम चेंज करा, कभी प्रेशर चेंज करा, कभी ऐसा करा कभी वैसा करा कभी ऐसे कर, लेकिन सारे के सारे प्रोसेस में टेम्परेचर नहीं बदलने दिया आपने, टेम्परेचर आपने नहीं बदलने दिया, टेम्परेचर चेंज नहीं होने दिया। तो अब जो कुछ भी आप गैस के साथ कर रहे हैं, चाहे आपका प्रेशर बदल रहे हैं या आप वॉल्यूम बदल रहे हैं या कुछ भी बदल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस वो प्रोसेस क्या कहा जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस कहा जाएगा, जबकि आप गैस का टेम्परेचर ना बदलने दें। ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, आप गैस के साथ मारपीट करेंगे और इसे गुस्सा ना आए, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, थोड़ा बहुत तो टेम्परेचर में वेरिएशन आता ही आता है। तो अब क्या करें कि गैस को गुस्सा ना आए, इसका टेम्परेचर ना बदले, इसका पारा हाई ना हो, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशंस तो ये है कि आपकी जो वॉल्स हैं, वॉल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये कैसी होनी चाहिए, परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए। परफेक्टली कंडक्टिंग मतलब बढ़िया तरीके से, अगर बाय द वे यहाँ हीट जनरेट हो गई, हीट अगर यहाँ जनरेट हो गई तो वो हीट तुरंत बाहर निकल जाए, अगर यहाँ ठंडा पड़ गया मामला, हीट की रिक्वायरमेंट है तो बाहर से तुरंत सराउंडिंग से हीट इसके अंदर आ जाए, ठंडा होने की नौबत ना आए, हीट की अगर जरूरत पड़ती है तो हीट बाहर से आ जाए, गर्म होने की नौबत ना आए, अगर हीट बन रही है
तो तुरंत वो हीट को, बताना चला गया। कुछ और देख लूं मैंने। आइसोथर्मल प्रोसेस का ही दूसरा नाम है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। अब इसके हमारी लाइफ में कई एग्जाम्पल है आइसोथर्मल प्रोसेस के, कई सारे एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला, सबसे सुबह ही सुबह जो आपको एग्जाम्पल मिलता है आइसोथर्मल प्रोसेस का अपने घर में, वो होता है चाय गरम गरम। मम्मी जल्दी से बना दो, ठंड लग रही है, चाय बना दो, इतनी देर हो गई। क्यों दीपिका जी, या आपको बनानी पड़ती मम्मी के लिए? अच्छा, कभी आप कभी वो, बारी बारी। मम्मी तुम रहने दो, मैं बना रही हूँ। बहुत बढ़िया, ऐसे होना भी चाहिए। देखो, तो जब आप चाय के लिए पानी डालते हैं, पानी रखते हैं, तो वो शुरू में तो आइसोथर्मल नहीं होता, क्योंकि आपके नल में इस टाइम पानी आ रहा है लगभग लगभग 10 डिग्री सेल्सियस का। आपने यहाँ से हीट दी तो ये 10 डिग्री सेल्सियस का वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगा। जब ये पानी गर्म होने के प्रोसेस में है, तब ये आइसोथर्मल नहीं है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा। लेकिन जब एक बार इसमें उबाल आ गया, उबाल आ गया, आपने चाय पत्ती वत्ती डाल रखी, 2-4 मिनट तो उबालना ही पड़ता है ना, एकदम तो तुरंत दूध नहीं डाल देते। जब इसमें बहुत बढ़िया वाला उबाल आ रहा है, तब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस का 100 डिग्री सेल्सियस है। आप चाहे कितनी हीट देते रहो, टेम्परेचर फर्दर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट है इसका, वाटर का। हालांकि 100 नहीं होता एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें चीनी पत्ती डाल के बदल जाता है, लेकिन जो भी है वो घटे बढ़ेगा नहीं। जब वाट ये उबल रहा है, कोई भी लिक्विड जब बॉयल कर रहा है, तो बॉयलिंग प्रोसेस, जो बॉयलिंग प्रोसेस है, ये आपका बॉयलिंग प्रोसेस कैसा होता है? आइसोथर्मल या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है। इसी तरह से आपका जो मेल्टिंग है, मेल्टिंग ऑफ आइस, आपने एक ये टुकड़ा है आपके पास बर्फ का, इसका टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। जब तक ये पूरा नहीं पिघल जाएगा, तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, बढ़ेगा ही नहीं टेम्परेचर। तो मेल्टिंग, स्लो मेल्टिंग होनी चाहिए, स्लो मेल्टिंग। ऐसा ना हो कि बर्फ को लेकर आप गैस पे चढ़ा दो तो कहीं किनारे पे से पानी उबलने लगेगा और बीच में बर्फ भी रहेगा। फास्ट नहीं करना है, कैसे करना है? स्लो करना है। तो जब स्लो मेल्टिंग होगी आपके आइस की, धीरे धीरे से मेल्ट होगा ये, तब वो इस टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, 0 का 0 मेंटेन रहेगा, और ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होगा? ये आइसोथर्मल प्रोसेस या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो जाएगा ये। क्लियर है? हाँ जी। तो ये आप आपके आइसोथर्मल प्रोसेस हो गए, बॉइलिंग ऑफ वाटर, स्लो बॉइलिंग होना चाहिए भी, और स्लो मेल्टिंग ऑफ आइस, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, जबकि टेम्परेचर आपका मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस होता है, प्रोसेस तो होते हैं बहुत सारे, उसमें से चंद की स्टडी हम करेंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब ये एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? ये आइसोथर्मल का उल्टा समझो इसे आप। देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, इस प्रोसेस ये आइसोथर्मल होगा कब? जब आपके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में फ्री एक्सचेंज होने लगे। किसका होने लगे फ्री एक्सचेंज? फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट हो जाए सिस्टम से सराउंडिंग में, या सराउंडिंग से सिस्टम में आराम के साथ हीट का एक्सचेंज हो सके, तब ये प्रोसेस कौन सा होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, ठीक है। समझ रही बात? बाकी प्रेशर, टेम्परेचर, वेम्परेचर में क्या चेंज हो रहा है, कौन घट रहा है, बढ़ रहा है, डेंसिटी क्या हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। आइसोथर्मल प्रोसेस से मतलब है क्या? कि हीट का एक्सचेंज होना चाहिए बढ़िया, एकदम आराम के साथ में। तो टेम्परेचर घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें उल्टा है, यहाँ पर क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में
हीट का एक्सचेंज हो ही ना, बिल्कुल भी हीट का एक्सचेंज ना हो, बाकी कुछ और घटता बढ़ता रहे हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन हीट का एक्सचेंज ना हो। अगर सिस्टम में हीट बन रही है कहीं तो वो बाहर निकल के ना जाए, और सिस्टम में हीट कहीं ज़रूरत पड़ती है तो बाहर से उसे हीट ना मिले, तब इस प्रोसेस को हम कहेंगे, कौन सा प्रोसेस है ये? एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? पहली कंडीशंस आपकी जो है वॉल्स हैं, वॉल्स ऑफ थर्मो डायनेमिक सिस्टम या बाउंड्रीज ऑफ थर्मो डायनेमिक सिस्टम, ये परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए, परफेक्टली नॉन कंडक्शन ऑफ हीट, हीट के लिए नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए, हीट का आदान प्रदान ना होने दें बिल्कुल भी। लेकिन ऐसा तो नहीं होता भाई, परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग तो कोई भी नहीं है, है ना? आप ठंड पड़ रही है, रजाई ओढ़ोगे तो जाके ठंड दबेगी आपकी, और तेज ठंड पड़ने लगे तो क्या होगा, वो हल्की वाली रजाई भी काम नहीं आएगी, मम्मी से कहो मम्मी अब सारी रात ठंड लगती रही, आज तो भारी वाली रजाई निकाल के दे दो। तो जो हल्की वाली रजाई थी, हल्की ठंड में काम नॉन कंडक्टिंग हो रही थी, तेज ठंड में तो वो भी नॉन कंडक्टिंग नहीं बैठी, और बहुत तेज ठंड हो, भयंकर वाली, बर्फ पड़ने लगे, कहीं आप ऐसी जगह हो जहाँ बाहर बर्फ पड़ रही हो, तो आपकी यहाँ वाली रजाई भी काम नहीं करेगी, वहां के लिए तो कुछ और ही चाहिए फिर, गरम एसी। तो पहली कंडीशन इसकी क्या है कि नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए वॉल्स, लेकिन वॉल्स तो नॉन कंडक्टिंग होती नहीं है। अच्छा, वॉल्स तो नॉन कंडक्टिंग हो नहीं सकती, लकड़ी भी कंडक्टिंग होती थोड़ी बहुत, थर्मोकोल भी थोड़ा बहुत कंडक्टिंग होता है, थर्मोकोल के बॉक्स में आप रख दो बर्फ, ठीक है 2-3 घंटे नहीं पिघलेगा, लेकिन सुबह शाम दिन में तो पिघल ही जाएगा वो भी हीट लग करके। तो फिर दूसरी कंडीशन पर हम आ जाते हैं, क्या कि आपका जो प्रोसेस है इट शुड बी एज फास्ट एज पॉसिबल, जितनी जल्दी आप प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे उतना ही कम टाइम मिलेगा हीट को एक्सचेंज होने के लिए। मतलब यह है कि जब आप साइकिल के पंप में पंप मार रहे हैं और बहुत जल्दीबाजी में है, तो स्कूल के लिए देर हो जा रही है, परेशान है, डांट पड़ने वाली है, तेजी से पंप मार रहे हैं, तब आपका जो प्रोसेस है ये क्या होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, बढ़िया तरीके से गर्म हो जाएगा पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि हीट निकलने के लिए, हीट बाहर निकलने के लिए आप मौका ही नहीं दे रहे, मोहलत ही नहीं दे रहे हीट को बाहर निकलने के लिए। तो जितना फास्ट पॉसिबल हो उतना फास्ट अगर आप करेंगे, कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम बहुत तेजी के साथ अगर आप कर डालेंगे, क्यों कर डालें तेजी के साथ? क्योंकि हीट एक्सचेंज होने का टाइम आपको छोड़ना ही नहीं है, हीट एक्सचेंज होने के लिए मोहलत ही नहीं देनी आप हीट को, तब ये प्रोसेस कौन सा होगा? ये एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, ठीक है। और कौन सा प्रोसेस हमारी लाइफ में होता है एडियाबैटिक प्रोसेस? वो होते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, आपका जो बाइक है, कार है, उसके इंजन के अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस चलते हैं, लेकिन इंजन तो खोल के कौन देखेगा आप में से, लेकिन बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है एडियाबैटिक प्रोसेस का, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। आप एक बैलून फुला लीजिए और बैलून में पिन मार दीजिए तो फट जाए, एकदम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड फट जाए, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड नहीं, आप अगर आपने हल्का सा फुला रखा है इसको, इसमें थोड़ा सा ढीलापन है, तो फिर पंक्चर हो जाएगा, और अगर आपने इसे पूरा पूरी तरह से बस मतलब फुल फुला रखा के जरा सी फूक और मार दी तो फट जाएगा, तब आप पिंच वो एकदम बस्ट होगा, फिर ये पंचर नहीं होगा, बस्ट हो जाएगा। तो बस्टिंग जो है, जितने भी बस्ट प्रोसेस हैं, ये सब एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं, चाहे वो बैलून का बस्ट हो या किसी बॉम्ब का बस्ट हो। बॉम्ब का अगर बस्ट है तो वो भी एडियाबैटिक प्रोसेस ही होता है, समझ रहे बात? बस्टिंग प्रोसेस सारे के सारे एडियाबैटिक होते हैं, और एडियाबैटिक का एक एग्जांपल और है इसका एडियाबैटिक प्रोसेस का, लेकिन वो अभी नहीं, वो साउंड वाले चैप्टर में बताऊंगा आपको, अभी समझ में नहीं आएगा, समझाइए। ये दोनों प्रोसेस हो गए आपके, कौन से प्रोसेस? एक तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया और एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, राइट?